हेलो एवरीवन, मैं कल्पना। वेलकम टू माय चैनल, आपका अपना स्टडी अड्डा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर पूरा 6 से लेकर 12 तक का ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी हिंदी में कवर कर रही हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का चैप्टर, जो कि हमारे क्लास 8 का साइंस हमारा एनसीईआरटी का चल रहा था एनसीईआरटी का। तो हमारे इसके 14 चैप्टर कवर हो चुके हैं, इसके अलावा आज हमें इसका 15 नंबर चैप्टर देखना है। इसके अब 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, इसके बाद आपका 10th का साइंस स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, कुछ प्राकृतिक परिघटना, यानी ये प्रकृति की तरफ से होती है, तो कुछ प्राकृतिक परिघटना देख लेते हैं। कक्षा 7 में आपने पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। आपको यह जानकारी प्राप्त की गई थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। आपने यह भी आया था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। इस अध्याय में हम 2 अन्य विनाशकारी परिघटना, तड़ित तथा भूकंप के बारे पर चर्चा करेंगे। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में पढ़ा था कक्षा 7 में, लेकिन कक्षा 8 में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तड़ित तथा भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। तो हम ऐसा ये भी देखेंगे कि हम इन भूकंप या तड़ित से हम किस प्रकार अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप तड़ित देख लीजिए, तड़ित के बारे में देखते हैं। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी, बिल्कुल देखी हैं। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। तो क्या होता है, जब पवन चलती है तो तार हिलते डुलते हैं, यानी ढीले हो जाते हैं, और ढीले हो जाने के कारण आपको चिंगारी देखने को उधर पर मिल जाएगी। आपने शॉर्ट सर्किट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलती देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर पर की विद्युत चिंगारी ही है। जो हमारा तड़ित है वो विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। ऐसे तो हम छोटी मोटी चिंगारियां देखते रहते हैं, लेकिन ये क्या है, विशाल स्तर पर है। इसके अलावा आगे देखिए, प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, उनको पता नहीं था कि क्या चीज़ें हैं, अतः भी तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। यानी उनको लगता था कि अब भगवान क्रोध में है और हमें नुकसान पहुँचाने की कर रहे हैं। यह वास्तव में यह हम जानते हैं कि बादलों में आवेश, यानी धन आवेश तथा ऋण आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, यानी सावधानी बरतनी चाहिए। हम इससे डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपना बचाव करना चाहिए। आगे देखिए, चिंगारियों जिनके विषय में यूनानी जानते थे। तो चिंगारियां जो हैं, जिनके विषय में यूनानी जानते थे, क्या जानते थे देखते हैं। 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर यानी एक प्रकार की रोल को फर से रगड़ते हैं, यानी रगड़ते हैं फर से, तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है, ठीक है। क्या करती है, बालों जैसे या छोटे छोटे कागज के टुकड़े, तो इन चीज़ों को क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। आपने यह भी देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चटपट की ध्वनि द्वारा चिंगारी देख सकते हैं, यानी आपको चटचट की ध्वनि भी दिखाई सुनाई देगी और इसके अलावा आपको हल्की हल्की चिंगारी भी दिखाई देगी। यह सन 1752 में अमेरिका वैज्ञानिक बेंजामिन ने यह दर्शाया था कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, ठीक है। परंतु इस तथ्य को साकार होने में 2000 वर्ष लगे, यानी अगर कोई एक इंसान कह दे कि ऐसी चीज है तो उसको माना नहीं जाता है जब तक वो बिल्कुल से सिद्ध ना हो जाए। तो इस चीज को सिद्ध होने में कितना समय लगा, 2000 वर्ष लगे। इसके अलावा मुझे आश्चर्य कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। तो वैज्ञानिक खोज बहुत से लोगों कि लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। देखिए, एक इंसान से कह देने से कोई चीज़ नहीं होती, कि एक इंसान बोल दे कि हाँ यह सही है तो वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इतना समय लगा, इसलिए 2000 वर्ष उनको लगे हैं। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करते हैं। हम यह भी देखेंगे कि आकाश में तड़ित के किस प्रकार, आकाश में जो तड़ित होती है वो किस प्रकार से संबंधित है। विद्युत आवेश की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप को करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। तो देखते हैं, जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। तो पेन या पेंसिल को, पेन आपका पेंसिल तो आपकी लकड़ी की होती है, लेकिन जब हम पेन को अपने बालों से रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आवेश आ जाता है। आवेश आ जाने के कारण क्या होता है, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है।
बचपन में आप लोगों ने भी खेला होगा रगड़ द्वारा आवेशन। तो रगड़ द्वारा आवेशन कैसे उत्पन्न होता है इसको देखते हैं। तो इसमें जो क्रियाकलाप दिए हुए हैं वो उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप आगे देखिए, जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो कुछ विद्युत आवेश क्या होते हैं, अर्जित होते हैं, यानी उसमें विद्युत आवेश आ जाते हैं। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश क्या करती है, अर्जित करती है, यानी उसमें भी विद्युत आवेश क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुओं कहते हैं। क्या कहते हैं इन वस्तुओं को, हम क्या कहेंगे, आवेशित वस्तु कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएँ कहेंगे। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथिन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए एक अगर धन आवेश होगा तो एक क्या होगा, एक ऋण आवेश होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो अगर हम कंघी और प्लास्टिक की पॉलीथिन या कंघी और बाल लेते हैं तो एक ऋण आवेश होगा, इसमें से एक धन होगा। आइए आगे देखते हैं। आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है इसको आप सारणी को भर लीजिएगा। इसके अलावा आगे देखते हैं, आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन क्रियाएं। हम अगले क्रियाकलाप की कुछ वस्तुएं लेते हैं तो इसको देख लीजिए। और इसके अलावा इसमें दिया हुआ है, इधर से देखिएगा। आइए प्रेक्षणों का सारांश करें, तो प्रेक्षण जो आप उसको पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। इसमें आगे देखिएगा, एक आवेशित गुब्बारे से दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है। यानी अगर गुब्बारा प्लस और दूसरा भी प्लस है तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटा देंगे, यानी प्रतिकर्षित कर देंगे। दूसरी चीज, एक आवेशित रिफिल ने दूसरे आवेशित रिफिल को क्या किया, प्रतिकर्षित किया, यानी दोनों का आवेश सेम है इसलिए उनको प्रतिकर्षित कर दिया गया। परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया, यानी इसमें क्या है कि गुब्बारा अगर आपका प्लस है तो रिफिल आपकी क्या है, माइनस आवेश रखती है। इसी कारण से क्या हुआ, आवेश क्या हुआ, इसमें आकर्षण हुआ, नहीं तो क्या होता, इसमें प्रतिकर्षण होता। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न है, बिल्कुल इंगित करता है। क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं, एक प्लस आवेश होता है, एक आपका माइनस आवेश होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश जो होते हैं यानी भिन्न प्रकार के वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी सीधी सीधी बात है, अगर प्लस प्लस आवेश आपको दिख रहा है तो वो एक दूसरे को दूर हटा देगा, धक्का दे देगा, ठीक है। और अगर माइनस माइनस आवेश है तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, यानी धक्का दे देंगे। लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है तो एक आप क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी पास आएंगे। इसके अलावा मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। तो मान्यता के अनुसार इसमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश, यानी रेशम से अगर हम कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ है उसमें जो आवेश आता है उसको हम धनावेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश। अगर कांच की छड़ में क्या होगा, अगर कांच की छड़ में आपका धनावेश आता है तो जो रेशम है उसमें कौन सा आवेश जाएगा, आपका ऋणावेश जाएगा, बस, ठीक है। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा से निकट लाते हैं तो दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी अगर वो छड़ आपकी प्लस है तो इसका जो स्ट्रा है वो आपको माइनस है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रा किस प्रकार का आवेश होना चाहिए, तो अगर कांच की छड़ प्लस है तो स्ट्रा क्या होगा, आपका माइनस होगा। तो इसका आंसर यही होगा कि स्ट्रा आपका माइनस आवेश रखता है, तभी तो वो उसको आकर्षित कर पा रहा है। आपका यह अनुमान कि प्लास्टिक स्ट्रा पर ऋणावेश होना चाहिए, अगर आपने अनुमान लगाया है तो वो आपका अनुमान कैसा है, बिल्कुल सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश क्या होता है, स्थितिक होता है। स्थितिक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वे स्वयं गति नहीं करते, स्थितिक यानी वे स्वयं गति नहीं कर सकते, उन्हें क्या करना पड़ता है, आपको गति करवाना पड़ेगा, यानी हमें उन्हें रगड़ना पड़ेगा, तभी उसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। अब आवेश गति करेंगे तो विद्युत धारा बनेगी आपकी। आप कक्षा 7 से विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, परपथ में प्रभावित होने वाली हुआ है विद्युत धारा जिसमें बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म होता है और कुछ नहीं बरन आवेशों का प्रवाह है। यानी उसमें इसमें बता रहा है कि जो वो बल्ब जलता है, तार गर्म होता है, तो उसमें क्या है, आवेशों का प्रवाह है, ठीक है, आवेश उसमें चलते रहते हैं। तो अगर हम विद्युत धारा को तोड़ दें तो क्या होगा, आवेशों का चलना बंद हो जाएगा। आवेशों का चलना बंद होगा तो बल्ब आपका बंद हो जाएगा, तार भी ठंडा हो जाएगा धीरे से, ठीक है, उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी। अब देखिए आवेश का स्थानांतरण, तो देखते हैं आवेशों का जो स्थानांतरण होता है किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो क्रियाकलाप दिए हुए नीले डिब्बे में, इसको आप देख लीजिएगा 15.4। इसके अलावा हम आगे देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम की पन्नी, जो आपका एल्यूमिनियम है उसकी पन्नी की
पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आविष्ट फिल से आविष्ट प्राप्त करती हैं। इसमें जो क्रियाकलाप दिया हुआ उसके बारे में बता रहा है। याद रखें कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, ठीक है। अगर हम धातुएं ले जैसे आपका एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी हुआ, तो क्या होगा, ये विद्युत की क्या होंगी, अच्छी चालक होती हैं, यानी हीन चालक नहीं होती हैं। समान आवेश वाली पट्टें एक दूसरे को क्या कर देंगी, प्रतिकर्षित कर देंगी, यानी एक दूसरे को धक्का देकर दूर हटा देंगी और भी फैल जाएंगी, यानी पास नहीं आएंगी। अगर ये समान है तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को इस प्रकार से एक दूसरे को अलग अलग फैला देंगी, दूर कर देंगी। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु कैसी है, आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को क्या कहते हैं, हम विद्युतदर्शी कहते हैं। ये युक्ति जो दी हुई है इसको हम विद्युतदर्शी कहते हैं। यानी अब जो दो सेम आवेश की चीज़ें अगर हम पास में लाते हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। और अगर वो प्रतिकर्षित कर देंगे तो हमें इस चीज़ से समझ में आ जाएगा कि इसमें आवेश है या नहीं, और इस युक्ति को हम क्या कहेंगे, विद्युतदर्शी कहते हैं। इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालन द्वारा भेजा सकता है। यानी अगर धात्विक चालन है, यानी धातु है आपकी और उसमें से चालन हो रहा है, तो हम एक आवेश को दूसरे आवेश में भेज सकते हैं, एक आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्ने की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे, वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। यानी जो दूर हुई थी एक दूसरे से, धक्का देके दूर हुई गई थी, प्रतिकर्षित हो गई थी, वो क्या होंगी, फिर से वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगी। अब ऐसे क्यों आ जाएंगे, अगर आपने उस क्लिप को हाथ से पकड़ा तो ऐसा क्यों होगा, देखते हैं। पन्ने की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए, फिर आप दोहराइए, एक दो बार दोहराइए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हर बार आप यह देखेंगे जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं तो पन्ने की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्ने की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है, और अगर वो हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जा रहा है आवेश, तो पट्टियां क्या हो जाएंगी, आपकी अनावेशित हो जाएंगी, यानी उनमें आवेश नहीं बचेगा। अब उनमें आवेश नहीं बचेगा तो एक दूसरे को ना तो आकर्षित करेंगी ना ही प्रतिकर्षित करेंगी। किसी आवेशित वस्तु से आवेश की पृथ्वी में, देखिए, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को हम भूसंपर्ककरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, भूसंपर्ककरण कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्ककरण की व्यवस्था की जाती है। तो ये चीज़ आपकी होती है कि भूसंपर्ककरण की व्यवस्था, उसमें छड़ लगाई जाती है आपकी, ठीक है, भवन के ऊपर एक छड़ लगाई जाती है, ठीक है, उसको ही वो छड़ क्या करती है, विद्युत को इकट्ठा करके पृथ्वी में डायरेक्ट पहुँचा देती है, यानी हमें आघात होने से बचा लेती है। देखते हैं तड़ित की कहानी, तो क्या है आपकी तड़ित की कहानी। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। तो देखते हैं, कक्षा 7 में आपने यह सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, बिल्कुल जाती हैं। वायु की धाराएं जो होती हैं क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर। अब देखिए, वायु की धाराएं तो ऊपर की ओर उठेंगी, लेकिन अगर पानी ऊपर भारी होने की वजह से क्या होगा, जल की बूंदें नीचे की ओर। अब नीचे से वायु ऊपर जा रही है और ऊपर से पानी की बूंदें नीचे की ओर आ रही हैं। अब इसमें क्या होगा, इस प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। यह प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम अभी पूर्णता नहीं समझा सकते हैं, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, धनावेश ऊपर एकत्रित हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादल के नीचे किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचयन होता है, यानी ऊपर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो इस प्रकार की आपकी बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो वायु जो होती है विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रभाव को नहीं रोक पाती है। अब हीन चालक है तो उसके प्रभाव को नहीं रोक पाएगी। अब नहीं रोक पाएगी तो क्या होगा, ऋणावेश तथा धनावेश आवेश मिलते हैं। अब देखिए, ऋण मिलेगा और धन मिलेगा तो क्या होगा, और प्रकाश की चमकीली धारियां बना देता है। अब ऋण और धनावेश जब मिलेंगे तो धारियां तो पक्का बनाएंगे, अब धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न करेंगे। ध्वनि उत्पन्न, इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तड़ित किस प्रकार से बनता है। नीचे से ऊपर की साइड हवा जाती है, ऊपर से पानी की बूंदें गिरती हैं, तो ऊपर आपका धन आवेश, नीचे आपका ऋण आवेश, और फिर आपका नीचे धन आवेश बनता है,
तो इस प्रकार से ऋण धन आवेश जब मिलता है तो क्या होगा, प्रकाश की चमकीली धारियां बनेंगी और धारियां बनेंगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, तो यह प्रक्रिया आपकी तड़ित बन जाती है और इस प्रक्रिया को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो इसमें जो आपका चित्र दिया हुआ है इसको आप देख लीजिए कि ऊपर जाएंगे तो इधर पर आपको प्लस, इधर पर माइनस, और पृथ्वी के निकट क्या होगा प्लस मिलेगा, तो ऋण आवेश और धन आवेश आपके मिलेंगे। इसके अलावा विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब देखिए क्यों हो सकती है, तो देखिए इसमें बताया गया कि विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। तो आपकी जो प्रक्रिया है ये वाली, तो देखिए इधर प्लस है इधर माइनस है तो इनके बीच में हो सकती है, और इधर माइनस है इधर प्लस है तो इधर भी आपकी प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपकी होती है। इसके अलावा अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भावित होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल घटनाओं को समझते हैं। विज्ञान हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं वैज्ञानिक, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है, अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक है। अब देखिए तड़ित से सुरक्षा, अब हमें अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा करनी चाहिए, तो किस प्रकार से हम तड़ित से सुरक्षा कर सकते हैं। तड़ित तथा झंझा, झंझा यानी गरज वाले तूफान, यानी जो गरज भी हो और तूफान भी, तो उसको हम झंझा कहते हैं। किस समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं है, यानी हमें इन सब चीज़ों में क्या करना चाहिए, तड़ित या झंझा आपको दिखे तो हमें खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर, परंतु गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है, यानी जैसे ही आपको गरज सुनाई देती है आप खुले स्थान को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। अंतिम गरज सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे ही गरज बंद हुआ आप तुरंत बाहर आ गए, तो गर्जन बंद के थोड़ी देर बाद आपको बाहर निकलना चाहिए, तो आपके लिए सुरक्षा हो जाएगी। आप देखते हैं सुरक्षित स्थान का पता कैसे लगा, तो देखिए कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है तड़ित से बचने के लिए। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजों वाले दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं, तो आपको बाहर नहीं निकलना है। अगर आप किसी वाहन में, कार में, बस में हैं, तो आपको बाहर नहीं निकलना है, खिड़की दरवाजे बंद करके उसी के अंदर बैठ जाना है। अब देखिए तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें, तो देखिए अगर हम खुले में हैं यानी बाहर खुले मैदान में, अगर घर में हैं थोड़ा रुकिए पहले, अगर हम खुले में हैं तो उसको देखते हैं। खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार है तो मशीन है, खुली कार सुरक्षित नहीं है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपके लिए सुरक्षित नहीं है अगर हम बाहर हैं तो। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, तो अगर तड़ित हो रहा है तो आपको उधर पर छाता लेकर चलना नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले सकते हैं। छोटे वृक्ष के नीचे शरण इसलिए ले सकते हैं क्योंकि वो टूटे तो हमें नुकसान नहीं होगा। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर, वृक्षों से आप काफ़ी दूरी पर ज़मीन पर ना लेटें, क्योंकि देखिए ज़मीन पर अगर आप लेटे हैं तो आपकी बॉडी में करंट आ जाएगा, बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएं। जिस प्रकार से व्यक्ति बैठा होगा इस प्रकार से आप नीचे बैठ सकते हैं, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। इसमें बताया गया है कि आप अपने घुटनों पर, तो ये सब आप देख लीजिए, इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बनेंगे, यानी होगा आघात तो बहुत कम होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, तो इससे आप बच जाएंगे। अगर हम घर के भीतर हैं तो हमें किस प्रकार से आपको सुरक्षा रखना चाहिए अपने आप को, तो देख लेते हैं। तड़ित टेलीफोन के तारों, तड़ित जो होता है वो टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है, तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। क्या आपको याद है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है? बिल्कुल याद है, विद्युत विसर्जन है, इसी के कारण हमें विद्युत से दूर रहना चाहिए। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोनों का उपयोग सुरक्षित है। तो देखिए अगर हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो इसमें डोरी नहीं होती है, तो हम इससे आराम से सुरक्षित हैं, या फिर बिना डोरी वाले फ़ोनों से सुरक्षित हैं। अब देखिए परंतु यह बुद्धिमत्ता नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फ़ोन से अपनी आपकी बात सुन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप फ़ोन ना करें तड़ित समय जो तारयुक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा है। उससे क्या होगा, उसे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो तार से जुड़ा हुआ फोन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए, हमें पानी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तड़ित है, पानी में क्या होगा करंट आपको आ जाएगा आसानी से। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सर्किट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इन्हें कोई हानि नहीं है, तो आप इसको बस हो गया। इसके बाद आपका तड़ित चालक, तो देखते हैं तड़ित चालक
तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित की जाती है। इस छड़ पर इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरा जो है जमीन से काफ़ी गहराई तक दबा दिया जाता है। धातु की छड़ विद्युत आवेश से जमीन तक पहुँचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ विद्युतार चल पाए भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव कर सकते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें। तो देखिए इसमें जो आपका दिखाया गया है, इधर पे आपका जो आपका तड़ित चालक दिखाया हुआ है, ये भवन से लंबी छड़ होती है, इधर पे देखिए आप, और ये नीचे तक इधर तक जमी होती है, तांबे की प्लेट इधर पे लगी हुई है, तो पृथ्वी के नीचे जमी हुई होती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर तड़ित आती है तो ये पूरा छड़ तड़ित को समेट के क्या करेगी, ये पृथ्वी के नीचे कर देगी। अब पृथ्वी के नीचे कर देगी तो जो हमारा भवन है ये अपना तड़ित से बच जाएगा। तो इसलिए तड़ित लगाया जाता है, वो तड़ित से बचने के लिए तड़ित चालक लगाया जाता है, क्योंकि इसमें से क्या होता है, तड़ित का चालन होकर नीचे की साइड पूरा क्या होता है, आवेश चला जाता है। अब देखिए हमने तड़ित के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे भूकंप के बारे में। आपने कभी तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया है? अभी हमने क्या किया, हमने तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन कर लिया। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था, बिल्कुल किया था। ये प्राकृतिक परिघटना मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सौभाग्यवश कुछ हद तक तो कर सकते हैं इनकी परिघटनाओं की भविष्यवाणी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर समय इसकी घटनाओं की भविष्यवाणी कर दें और हम इनसे बच सकें। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी आपको दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना होती है। देखिए अगर तड़ित और झंझा साथ में है तो क्या होगा, इसके साथ हमारी तड़ित और चक्रवात की संभावना बनी रहती है। अतः इन परिघटनाओं से बचने वाली क्षति से बचाव के उपयोगों के लिए हमारे पास समय होता है। तो ठीक है, थोड़ा सा समय होता है, इसके अलावा देखेंगे। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी भी विकसित नहीं कर पाए हैं, यह है भूकंप। तो देखिए अगर भूकंप आता है तो हम इसके बारे में हमें भविष्यवाणी हम नहीं कर पाते हैं। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचाता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। इसके अलावा आपका इधर पर भूकंप की स्थिति दिखाई हुई कि किस प्रकार से नुकसान आपका होता है, कश्मीर में भूकंप आया था तो इस प्रकार से जानमान का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ था। इसके अलावा भूकंप क्या होता है, जब यह आता है तो यह क्या होता है, इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक कुछ ऐसे प्रश्न है जिसके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। तो ये आपके जो प्रश्न दिए हुए हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, भूकंप क्या है। तो देखते हैं भूकंप क्या है। भूकंप जो होता है वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। तो देखिए कम समय के लिए आता है लेकिन पृथ्वी का जो कंपन और झटका होता है वही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। यह पृथ्वी की भूपरपटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। तो देखिए बहुत ही कम भूकंप आए तो हमें उसका अनुभव नहीं होता है, लेकिन अगर जोर से भूकंप आए तो हमें उसका अनुभव हो जाता है। और यह कब, ये भूकंप कैसे आते हैं, पृथ्वी के अंदर गड़बड़ी होने के कारण क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार से गड़बड़ी होती है और किस प्रकार से भूकंप आते हैं। प्राय इनको नोटिस नहीं किया जाता है, यानी छोटे छोटे जो भूकंप आते हैं उनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम आते हैं, ये भवनों पुलों बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं, यानी सब टूट फूट जाता है। इनके जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो जाती है, इनसे क्या होता है, भूकंपों से विशाल हानि हो जाती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन यानी भूमि का टूटना फूटना भूस्खलन कहलाता है आपका, तथा सुनामी आ जाती है। दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि आई थी। अब देखिए जब क्या होता है, सुनामी आती है समुद्र में तो जो पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा उछाल पकड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा उछाल पकड़ने के कारण वो जो उसके तट के क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचा देता है, यानी बाढ़ की स्थिति बना देता है। इसके अलावा आपका क्रियाकलाप इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए भूकंप का क्या कारण है। तो देखते हैं भूकंप आता आखिर कैसे है। अब देखिए इसमें जो बूझो बना हुआ है, उसकी दादी ने उसको मतलब कहानी सुनाई हुई थी, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी हुई है तथा एक सांड उसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप
मान पाता है या कैसी सत्य हो सकता है? तो बिल्कुल ही सत्य नहीं है, इस सत्य बात नहीं है। हम देखते हैं सत्य बात क्या है। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा क्या थी, मनगढ़ंत कथाओं और जैसे बूझू की दादी ने सुनाई तो मनगढ़ंत कथाएँ अपनी बना लेते थे द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएँ प्रचलित हैं। तो अभी भी कई भागों में क्या है, भूकंप आने की ये भी कथाएँ आपकी अभी भी प्रचलित हैं। पृथ्वी के अंदर भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं, तो देखते हैं क्या कारण होते हैं। अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी परत में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को हम भूपरपटी कहते हैं। तो जिस परत पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, भूपरपटी कहते हैं। ठीक है, ये आपका भूपरपटी इधर पे आपका दिखाया हुआ है, इसके बाद आपका प्रभार, इधर पे आपका बाह्य क्रोड, आपका आंतरिक क्रोड, इधर पे आपको पृथ्वी की संरचना आपको कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है। देखिए पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है। देखिए पृथ्वी की जो परत है वो एक खंड में नहीं है, आप खुद जानते हैं, कहीं पर सागर, कहीं पर महासागर, कहीं पे बड़े बड़े समुद्र दिए हुए हैं और कहीं पे आपके द्वीप दिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एक खंड में नहीं, अलग अलग खंडों में है। यह टुकड़ों में विभाजित है, प्रत्येक टुकड़ियों को हम प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन टुकड़ों को प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है, अभी चलती रहती है। ठीक है, जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो टक्कर के कारण क्या होता है, अब एक दूसरे से रगड़ खाएंगे, टक्कर करेंगे तो क्या होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, भूपरपटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यह विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। देखिए मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए एक प्लेट ए है, मान लीजिए एक प्लेट ए है, ठीक है, एक दूसरे से टकराएं, अब एक दूसरे जब टकराएंगे, अब आप बताइए, अच्छा दो बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा आवाज उत्पन्न होगी और हिलेगा भी थोड़ी बहुत। तो अगर प्लेटें जो हमारी पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो ये जो स्थिति बीच में जो स्थिति बनती है, इधर से क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। और जिस प्रकार से आप पानी में एक पत्थर डालेंगे तो जहां पे आप पॉइंट पे पत्थर डालते हैं उधर से तरंग किस प्रकार से बनती है, बनती है ऐसी फैलती हुई तरंग है कि अगर आपने देखी इधर पे आपकी तरंग कुछ इस प्रकार से बनती है, इधर पे आपने पत्थर मारा इस प्रकार से आपकी तरंगें इधर पे फैलती जाएंगी, पूरी गोल तरंगें ऊपर इस प्रकार से ऊपर साइड फैलती जाती। तो इसी प्रकार से इस ज्वाइंट में जब आपका भूकंप इधर पे आता है तो इसके आसपास के क्षेत्रों में भी तरंगें बनती जाती हैं और भूकंप आपका फैलता जाता है। अब देखिए, अब इसमें एक प्लेट भारी होगी और एक प्लेट हल्की होगी, तो एक दूसरे से टकराएंगे तो नुकसान आपका होगा यानी भूकंप आएगा। और एक दूसरे से टकराई थी और अगर प्लेटें इस साइड विपरीत दिशा में चल रही हैं तो क्या होगा, एक दूसरे से रगड़ खाएंगी, तो रगड़ के कारण भी आपका भूकंप इस ज्वाइंट पर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये आपका भूकंप की स्थिति बनती है। यदि विज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? तो अभी तक ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली, हम भूकंप की जल्दी से जानकारी नहीं ले पाते हैं। यदि भी हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, हम भूकंप आने के कारण तो जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी करी जा सके। हमें पता है कि प्लेटें एक दूसरे से टक्कर खाती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, एक ऊपर जाएगी प्लेट, एक नीचे जाएगी प्लेट, तो इस कारण आपके भूकंप उत्पन्न होंगे। लेकिन अभी तक हमें इसका समय और इसकी भविष्यवाणी और इसका स्थान, इसके समय और स्थान की भविष्यवाणी नहीं कर सके हैं। हमें पता नहीं कर सकते भूकंप अब इधर स्थान पे आने वाला है या उधर स्थान पे। अब आगे देखिए, मैंने कहीं पढ़ा है कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूकंप से भी भूस्पंदन उत्पन्न हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी पर भूस्पंदन ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल होता है। तो ये चीज़ें हैं आपके भूकंप, इन कारणों से भी आपका उत्पन्न होता है, या कोई उल्का पिंड आपकी पृथ्वी से टकरा जाए, या फिर ज्वालामुखी फट जाए, या फिर क्या हो, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। तो इधर पे आपका और है, परंतु अधिकांश भूकंप किससे आते हैं, पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं, यानी जो गति होती हैं प्लेटों की उन्हीं के कारण अधिकांश भूकंप आपके आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमा दुर्लभ क्षेत्र बनाती है, यानी जहाँ पर वो ज्वाइंट मैंने आपको बताया, अब वो जहाँ पे ज्वाइंट है वहीं पे भूकंप आने की ज़्यादा स्थितियाँ रहती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। तो वहाँ पे भूकंप आएगा तो उनको हम भूकंपीय क्षेत्र कह सकते हैं, या फिर हम उनको भ्रंश क्षेत्र भी कह दें क्योंकि उधर पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत की अति भूकंप क्षेत्र जो है आपके कश्मीर है,
पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय है, समस्त उत्तर पूर्व है, कच्छ का रण है, राजस्थान का सिंध गंगा का मैदान है। तो ये आपके भारत में आपके दिए हुए क्षेत्र, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे भूकंप आपका ज़्यादा खतरे होते हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। तो ये आपका यूरेशियन प्लेट, आपका तिब्बत का पठार, इसको हम डिटेल में अच्छे से भूगोल में पढ़ेंगे। जितना इधर पर आपको जानकारी चाहिए उतनी आपको मिल चुकी है। अंक देखिए, किसी भूकंप की शक्ति के प्रमाण को रिएक्टर पैमाने से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक रिएक्टर पैमाना होता है, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं भूकंप हमारा विनाशकारी है या अविनाशकारी। अधिक विनाशकारी भूकंप का रिएक्टर पैमाने का प्रमाण क्या होता है, 7 से अधिक होता है। भूस्तर तथा कश्मीर में आए भूकंप क्या होते हैं, भूकंप का प्रमाण क्या था, आपका प्रमाण 7.5 से अधिक था। अगर 7.5 से अधिक था यानी 8 मान लीजिए, और अगर 7 से ऊपर जाता है इसका पैमाना, तो क्या होता है, भूकंप आपका खतरनाक है। अब 8 आया है तो आपने देखा था एक इमेज में किस प्रकार का कश्मीर में भूकंप आया और पूरी इमारतें आपकी टूटी फूटी डली थी। इसके बाद आपका भूकंपी तरंग दिया हुआ है, तरंग है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें बस चीजें दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपका देखिए भूकंप से बचाव, उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होता है। ठीक है, अब विनाशकारी है, इसकी भविष्यवाणी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम इससे अपना बचाव चाहते हैं तो हमें कुछ क्या करना पड़ेंगे, कुछ हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि हम इससे बच सकें। अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियाँ बरतें। ठीक है, हम उसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती है, ठीक है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। भूकंपी क्षेत्रों जहाँ पर भूकंप आने की अधिक संख्याएं होती हैं, में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना चाहिए। अब जहाँ पे वहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे जैसे कश्मीर वगैरह में हिमालय के साइड आपकी कुछ स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है, तो उधर के लोगों को सचेत रहना चाहिए कि भूकंप आएगा तो किस प्रकार से, अब देखिए किस प्रकार से उसका बचाव किया जा सकता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा होता है कि वे बड़े भूकंप के झटकों को सह सके, यानी डिजाइन इसका फैलावदार होगा मेरे हिसाब से, लगभग इस प्रकार से होगा ताकि क्या हो, भूकंप से, क्योंकि जितनी लंबी इमारतें होती हैं वो भूकंप से उतने ही जल्दी क्या होती हैं, टूट जाती हैं। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इन संभव बना सकती हैं, क्या होती हैं, जो आधुनिक भवन आपकी प्रौद्योगिकी है इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हों ताकि वे भूकंप निरापद हों, यानी उन्हें भूकंप से बचा जा सके। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। तो हमारे यहाँ, तो हम यूपी में रहते हैं, तो यहाँ पर तो कोई आपकी भूकंप की स्थिति नहीं बनती है। आगे देखिए, अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति ना हो, अधिक अगर मिट्टी और लकड़ी से ज़्यादा क्षति नहीं हो सकती है, लेकिन अगर पे छड़िया, सीमेंट, ईंट वगैरह, बड़ा बड़ा गट्टी वगैरह ये सब लगा दिया जाए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपका भवन अगर गिरेगा तो चीज़ें टूट फूट जाएंगी, और अगर आप भवन के अंदर हैं तो आपका बचना उधर से मुश्किल है। अलमारियाँ इत्यादियों को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा रहता है, जिससे कि वे आसानी से ना गिरें। ठीक है, तो हम ऐसी लकड़ी और लोहे की अलमारी ना रखें भूकंप वाले क्षेत्रों में, तो उसमें क्या होगा कि आसानी से आप बच सकेंगे, क्योंकि जब दीवारों से जड़ी हैं तो वो अलमारियाँ गिरेंगी नहीं। इसके अलावा दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक यानी गीजर आपका आदि को दीवार से लटकाते समय सावधानी रखिए, ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमक के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। तो जो अग्निशमक यानी वो अग्नि के जो सिलेंडर आपके लगे होते हैं आग से बचने के लिए, वो उधर पर लगे होते हैं। अगर भूकंप के कारण किसी इमारत में आग लगती है तो उधर से उसका बचाव हो जाएगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, तो ये रुड़की में है, इसको आप याद रखिएगा कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, रुड़की में है। रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने की कुछ जानकारी विकसित की है, तो उन्होंने कुछ जानकारी दी हुई है। इसके अलावा इधर पे देख लीजिए, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय, यदि आप घर में हैं तो आप किस प्रकार से बच सकते हैं, किसी मेज के नीचे आश्रय ले सकते हैं तथा झटकों के रोकने तक वहीं रुक सकते हैं, ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं, यदि आप बिस्तर में हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें,
यदि आप घर से बाहर हैं तो देखिए भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर खुले स्थान पर, खुले स्थान को खोजें तथा धरती पर लेट जाएं। उसमें क्या था, धरती पर आपको समेट, अपने पैरों पे सिर रख के, मतलब समेट के बैठना था, धरती पर नहीं लेटना था तड़ित में, ठीक है। और इधर पे आपको क्या करना है, धरती पर लेट जाना है। यदि आप किसी कार अथवा बस में तो बाहर ना निकलें, ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे, भू स्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें, ठीक है। तो अगर है ऐसा तो आप देख लीजिएगा। अब बाकी इसके बाद आपका चैप्टर इधर पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आप इस दो प्रकार के होते हैं, सजातीय विजातीय, तो ये सब आपका दिया हुआ है। प्रमुख शब्द आपके भूपरपटी तड़ित विद्युत दर्शी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और इधर पर आपका अभ्यास, आपका अभ्यास का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इधर पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए चैप्टर के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।